हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बची हुई चाशनी और बचे हुए टोस्ट से इतनी रस भरी मिठाई कि उसके आगे आपको गुलाब जामुन भी फेल लगता है। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी मिठाई बनती है। तो चलिए बनाते हैं बची हुई चाशनी और बचे हुए टोस्ट से टेस्टी मिठाई। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास ये गुलाब जामुन की थोड़े से सिरे बचे हुए थे और ये कुछ मेरे पास टोस्ट बचे हुए हैं। तो उसकी मैं मिठाई बनाऊंगी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार मिठाई होती है। तो मैंने बताया कि इसके आगे गुलाब जामुन की भी मिठाई फेल होती है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर ये जो गुलाब जामुन का जो सिरा है, ये इसमें हम ये सारे टोस्ट को अच्छे से, बहुत ही अच्छे से डीप करेंगे। तो ये देखिए, टोस्ट को हमको एक मिनट तक ऐसे खूब अच्छे से डुबा देना है। तो इस तरह से हम सारे टोस्ट को अच्छे से डुबा देंगे। इस तरह से हम टोस्ट को डुबा देंगे। तो देखिए, इस तरह से डुबा डुबा के अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही रस भरी मिठाई होती है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। कभी कभी जब टोस्ट ऐसे बच जाता है तो हमें खाने का मन नहीं करता। तो अगर आपके पास सीरा बचा हुआ है तो वैसे भी आप बना सकते हैं, और नहीं तो आप सीरा बना के भी बनाइए। ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इस तरह से हम सारे टोस्ट को ऐसे डुबा के भिगा लेंगे। तो अब आगे के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, इस टोस्ट में देखिए बहुत ही अच्छे से रस घुस चुका है। और अब आगे के प्रोसेस में, तो जो नीचे वाला ये कुछ टुकड़े टोस्ट के बचे हुए हैं वो मैंने ले लिया है। और अब इसमें हम गरम दूध डालेंगे। तो ये देखिए, इसमें मैं गरम दूध डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके आपको गरम दूध डाल देना है। तो ये देखिए, मैं इसमें ऐसे गरम दूध डाल देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके गरम दूध डालेंगे। जैसे हम गरम दूध डालेंगे, ये टोस्ट बहुत ही अच्छे से मतलब पेस्ट बन जाएगा। तो इस तरह से हम गरम दूध डाल के इसका बहुत ही अच्छा पेस्ट बना लेंगे। तो एकदम आपको चम्मच से इस तरह से जब गरम दूध डालेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये सॉफ़्ट हो जाएगा। देखिए, इस तरह से एकदम सॉफ़्ट हो चुका है। और अब इसमें हम हॉट चॉकलेट डालेंगे। तो ये देखिए, ये हॉट चॉकलेट का एक पैकेट है। पहले हम इसमें एक पैकेट डालेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम एक पैकेट इसमें डाल दे रहे हैं और इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो थोड़ा सा जो सीरा है इसमें डाल देंगे तो ये और अच्छा मीठा बन जाएगा। तो इसमें देखिए, एक चम्मच हमने आधा आधा करके एक चम्मच हमने इसमें सीरा डाल दिया है। और इन सब का हमको अच्छा सा पेस्ट बनाना है। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है। लेकिन अभी आपको इसका दिख रहा होगा कलर उतना अच्छा नहीं आया है। तो इसमें मैं और एक पैकेट इसमें हॉट चॉकलेट का डाल देंगे। ये छोटा वाला पैकेट है, अगर आप बड़ा वाला लेंगे तो एक ही पैकेट में हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये देखिए परफेक्ट आपको ये, तो ये देखिए, इस तरह से चॉकलेट का कलर भी बहुत ही अच्छा आ चुका है। और बहुत ही ये टेस्टी मिठाई बनती है, ना गैस जलाने की झंझट ना कुछ भी। और आपके जो बचे हुए सिरे और बचे हुए आपके टोस्ट से ये मिठाई बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये देखिए, ये चॉकलेट का पेस्ट रेडी हो चुका है। और दूसरा पेस्ट हम मलाई से बनाएंगे। तो ये जो घर की फ्रेश मलाई है, ये देखिए वो मैंने लिया है। और इसमें भी थोड़ा सा हम जो सिरा है वो डालेंगे। तो ये देखिए, एक चम्मच हमने सिरा डाल दिया है। इसके आगे मैं बता रही हूँ, गुलाब जामुन भी फेल हो जाता है। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसको बहुत ही अच्छे से हम चम्मच की सहायता से बहुत ही अच्छे से फेंट लेंगे। तो इस तरह से हम बहुत ही अच्छे से इसको चम्मच की सहायता से फेंट रहे हैं। बस ये देखिए, ये दोनों चॉकलेट का पेस्ट और ये मलाई का दोनों एकदम रेडी हो चुका है। और अब हम जो इधर जो टोस्ट को हमने सिरे में भिगो के रखा था, ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। और अब हम जो इस पर चॉकलेट की लेयर जो बनाए हैं उसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे। बहुत ही चारों तरफ से आपको बहुत ही अच्छे से आपको स्प्रेड करना है जो चॉकलेट की लेयर। तो बहुत ही कम सामानों से इतनी अच्छी मिठाई बनती है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए, इस तरह से हम इसमें चारों तरफ फैला देंगे। अब देखिए, इस तरह से हम फैला देंगे और बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है, एकदम रस भरी। तो ये देखिए, इस तरह से हमने पूरा ये जो टोस्ट का टुकड़ा बचा हुआ था उसमें हॉट चॉकलेट डाल के, और बहुत ही अच्छी मिठाई बनती है। तो ये देखिए, सब इसको चारों तरफ से मैंने स्प्रेड कर लिया है। और अब इसमें हम जो वाइट वाला
मलाई का जो हमने ये पेस्ट बनाया था, इसको भी चारों तरफ से ऐसे फैला दिया। आप चाहें तो इसको कई तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हैं अपना दिमाग लगा के। तो जो मुझे इजी लगा वो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब मैं ऊपर से आपको बादाम से ऐसे डेकोरेट कर देंगे। तो इस मिठाई को आप थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए, और इसके बाद अगर किसी को सर्व करना हो तो थोड़ा सा सीरा डाल के आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सीरा डाल दिया है, और अब ये देखिए एकदम गुलाब जामुन की तरह लग रही है। तो बहुत ही टेस्टी मिठाई है, और बहुत ही मिनटों में तैयार हो जाती है बचे हुए सीरे और बचे हुए टोस्ट से। आई होप कि आपको ये रस भरी मिठाई ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड।